Let us all take a pledge to give back something to the Mother Nature in your own big or small way. कल गणपति है और मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली में हूँ, अदरवाइज मैं बॉम्बे में होता हूँ लेकिन मैं इस बार ही दिल्ली में हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो ये और भी खुशी का मौका है। हम लोग हर साल इको फ्रेंडली गणपति रखते हैं। लास्ट ईयर आई स्टार्टेड दिस मूवमेंट और हमने बॉम्बे में इको फ्रेंडली गणपति रखे थे। हमने इस साल भी इको फ्रेंडली गणपति मंगाए हैं और इस बार ही हम लोग विसर्जन घर पर ही करेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग उस विसर्जन का पार्ट बने एंड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विद अस। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन देश भर में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ गणेश चतुर्थी का ये त्यौहार मनाया जाता है। 10 दिन चलने वाले इस त्यौहार पर गणपति जी की स्थापना की जाती है। इस दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का जन्म दोपहर में हुआ था। भगवान गणेश को हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है। गृह प्रवेश और भूमि पूजन से पहले हर बार गणपति को पहले पूजा जाता है। मान्यता है कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करता है या उनके पूजन के लिए उनको अपने घर में विराजमान करता है, बप्पा उनके जीवन के सारे विघ्नों को और कष्टों को दूर कर देते हैं। भगवान गणेश शुद्धता के प्रतीक हैं। उनके आने से मांगलिक कार्यों का आरंभ होता है। गणपति बप्पा मोरया। I know आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। This गणपति, let us all take a pledge to give back something to the Mother Nature in your own big or small way. Like, subscribe and share your own favorite channel, Pitchcraft with Sahil Arora. गणपति बप्पा मोरया and don't forget to comment.